नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनफरेजमेंट में और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफेंस की टॉप 5 खबरों पर बात करेंगे। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट, प्रेजेंस डिफेंस न्यूज। BEL को भारत सरकार की तरफ से मिले दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 3,102 करोड़ के दो कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए हैं। BEL ने इंडियन एयरफोर्स की फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सूट की सप्लाई के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट 1,993 करोड़ होने का अनुमान है। वहीं MOD ने इंडियन एयरफोर्स के लिए इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज के लिए BEL हैदराबाद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन किया है। इसके अलावा BEL ने डिफेंस एप्लीकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए इंडियन आर्मी के आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी साइन किया। सरकार ने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अपग्रेड के लिए ABNL के साथ किया समझौता। रक्षा मंत्रालय ने इन्फेंट्री के कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 के 693 अपग्रेडेड आर्मामेंट की खरीद के लिए आर्मोर्ड व्हीकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। इस अपग्रेडेशन में नाइट कैपेबिलिटी, गनर मेन साइट और कमांडर पैरानोमिक साइट शामिल है। ABNL ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और FCS के एकीकरण के आधार पर नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज और FCS के साथ मौजूदा BMP-2x2 के देने के लिए एक स्वदेशी सॉल्यूशन बनाया है। इंडियन एयरफोर्स ने परिवहन विमान सप्लाई चैन मैनेजमेंट फैसिलिटी का किया उद्घाटन। एयरबस स्पेन से 56 C295MW एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है। इसमें से 40 का प्रोडक्शन टाटा एयरबस कंसोर्टियम द्वारा भारत में किया जाएगा। वही 24 इक्विपमेंट डिपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन मनोरी को C295MW एयरक्राफ्ट स्पेयर के सेंट्रल स्टॉक होल्डिंग डिपो के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है और ये बेड़े की ऑल इंडियन एयरफोर्स की संचालन का समर्थन करेगा। आपको बता दें, इस फैसिलिटी का उद्घाटन एयर ऑफिसर अंशु पाल ने डिपोर्ट ऑफिशियल और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के रिप्रेजेंटेटिव्स की उपस्थिति में किया। गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी ड्राइवर्स के पहले बैच का पूरा हुआ प्रशिक्षण। मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच ने कोची में इंडियन नेवी की वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज पूरा किया। अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी का यूज करते हुए इंडियन नेवी के ड्राइवर्स और समुद्री कमांडो की टीम ने विभिन्न मैरीन कंडीशन में क्रू मॉड्यूल की रिकवरी ट्रेनिंग ली। 2 वीक्स की ट्रेनिंग में मिशन के संचालन, मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान दी जाने वाली कार्रवाइयों और वेरियस प्लेन्स और उनके रेस्क्यू इक्विपमेंट से फैमिलियर होने के बारे में जानकारी दी गई। ट्रेनिंग में इंडियन नेवी और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई SOP को भी मान्य किया गया है। भारत और इटली ने संयुक्त रक्षा समिति की 10वीं बैठक आयोजित की। डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करने के मोटिव से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गिरधर आरमाने और इटली के सेक्रेटरी जनरल ऑफ डिफेंस और नेशनल आर्मामेंट डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल लुसियानो पोर्टोलानो ने बैठक की। 10वीं भारत इटली ज्वाइंट डिफेंस कमेटी की ये बैठक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने और 2023 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की इटली यात्रा के दौरान साइंड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रही। इस दौरान भारत ने ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स और को प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बैठक का फोकस डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाना था। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।